नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त की जो बड़ी खबर हम लेकर आए हैं वो हरियाणा धारूहेड़ा से लेकर सामने आ रहे हैं, जहां एक और गौ तस्करी का मामला देखने को मिला। हम आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में गौ तस्करी का मामला तूल पकड़े हुए है, वहीं हरियाणा में अक्सर गौ तस्करी का मामला देखने को मिलता है। इस वक्त की भी जो बड़ी खबर हम लेकर आ रहे हैं वो 10 गौ तस्करी का मामला सामने लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि बड़ी सफलता हाथ लगी है मानेसर बजरंग दल के हाथों, जहां उन्होंने 10 गायों को बचाया। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला था क्या। हरियाणा में दिन पर दिन गौ तस्करी का आतंक बढ़ता जा रहा है, वहीं एक और गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जहां प्रातःकाल बजरंग दल मानेसर को एक सूचना मिलती है कि रेवाड़ी बजरंग दल की ओर से, जहां वो उन्हें बताते हैं कि झज्जर से 6-पहिया वाहन गौ को भरकर धारूहेड़ा होते हुए मेवात लेकर जाएगी। और जैसे ही मानेसर बजरंग दल को रेवाड़ी बजरंग दल गौरव की टीम से फोन आता है, वो तुरंत धारूहेड़ा की ओर निकल जाते हैं। और जब वो उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें बताई गई 6-पहिया वाहन नजर आती है और वो उस 6-पहिया वाहन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो 6-पहिया वाहन का पीछा शुरू करते हैं, गौ तस्कर की वाहन उन्हें देख लेती है और देखते ही वो कच्चे रास्ते की ओर गांव की ओर अपनी वाहन को मोड़ लेती है। उसके बाद गौ रक्षक उस वाहन का बड़ी तेजी से पीछा करते हैं। छोड़ कैंपर होती तो की वहीं कुछ दूर पीछा करने के बाद गौ रक्षक की टीम गौ तस्करों की गाड़ी पर काबू पा लेती है, जहां टीम ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो गाड़ी में से 10 गौवंश बेरहमी से बंधी हुई पाई गई। हम आपको बता दें कि गौ तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है धारूहेड़ा थाने में। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे अभियान में कौन कौन सी टीम शामिल थी। गौ क्रांति की टीम प्रदीप डागर, गौरव रेवाड़ी की टीम, भोकाल पतौटी की टीम, मानेसर टीम मोनू, मानेसर पवार, शैलेंद्र हिंदू टीम, इस टीम ने मिलकर पूरे भागते हुए गौ तस्करों को पकड़ा और साथ ही साथ 10 गौवंश को बचाया। तो जैसा कि आपने हमारी वीडियो में भी देखा और सुना भी, तो हम आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में गौ तस्करी का मामला तूल पकड़े हुए है, लगातार सांप्रदायिक हमले हुए जा रहे हैं और इस तरह के मामले ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिले हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के मामले सामने आते क्यों हैं, आखिर वजह क्या है और इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। यदि आपके पास कोई सलाह है तो हमें ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।